कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी, बरण सकें महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। बोले श्री सदगुरु देव भगवान की, सच्चे दरबार की। प्रिय गुरु भाइयों एवं गुरु बहनों, एक बार एक साधक गुरु महाराज जी के एक छोटे से स्वरूप को घर ले गया और उसने जाकर वह स्वरूप घर में बने एक शोकेस में लगा दिया। महाराज जी के स्वरूप को शोकेस में लगाकर जैसे ही वह साधक साधना में बैठा तो उसको गुरु महाराज जी ने दर्शन दिए। गुरु महाराज जी ने शोकेस की तरफ इशारा करके पूछा, ये क्या है? उस साधक ने कहा, महाराज जी आपके स्वरूप को शोकेस में लगाया है। उस साधक ने प्रश्न भरी नजरों से महाराज जी की ओर देखा तो गुरु महाराज जी ने कहा, मैं केवल शोकेस में लगाने के लिए नहीं हूं अपितु मैं तो दिल में बसाने के लिए हूं। गुरु प्रेमियों, वर्तमान समय में हम सब साधक आपस में यह चर्चा करते हैं और महाराज जी से ये प्रश्न पूछते ही पूछते हैं कि महाराज जी हम आपको अपने दिल में कैसे बसाएं, आपको आपसे हम कैसे प्राप्त करें महाराज जी। और इसी प्रयास में प्रत्येक सप्ताह हम सब साधक इस गुरु कथा को, या यूं कहें आशु कथा को, कहते और सुनते हैं जिसमें गुरु महाराज जी की चर्चा करते हैं। क्योंकि एक भक्त के जीवन में गुरु की बात बिना, गुरु की चर्चा बिना हर बात अधूरी है, बेमायने है। इसलिए एक भक्त ने बड़ी सुंदर बात कही है, हर बात अधूरी है बिना आपकी बात के, मेरी हर सांस अधूरी है बिना तेरे एहसास के। कुछ भी नहीं उस महफिल में तू जहां है नहीं, हर महफिल अधूरी है बिना तेरे आगाज के। गुरु प्रेमियों, हमें अपने गुरु की बातें करनी हैं, क्योंकि बातें ही तो यादों का आधार बनती हैं। शुरुआत होती है चर्चा से, गुरु की बातों से, और फिर प्रेम जागृत होता है और उनसे बात करने को मन करता है। जब गुरु से बात होती है तो फिर मिलने की प्यास भी जागती है, उनको देखने को मन करता है। और जब देखने को मन करता है फिर जब तक वो मिल नहीं जाते मन तड़पता रहता है। प्रारंभ हुआ था केवल मात्र चर्चा से, और जिस दिन गुरु की बातें नहीं होती, गुरु की चर्चा नहीं होती है, उस दिन उनकी याद भी नहीं आती। जब याद नहीं आती तो उनसे बात करने को भी मन नहीं करता। प्रारंभ कहां से हुआ था? मात्र चर्चा से, और अपने प्रीतम की बातें करने से उस चर्चा ने उनकी यादों की एक श्रृंखला को जन्म दे दिया। इसलिए श्री गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं, मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे, सो भाई सो मेरा वीर। मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभ के, ले सदगुरु की मति धीर। श्री गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं कि मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे, जो मेरे गुरु की चर्चा करता है, जो मुझे मेरे गुरु की बातें सुनाता है, मुझे मेरे गुरु की महिमा सुनाता है। सो भाई, वही मेरा भाई है, वही मेरा बंधु है। मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभु के, हे सखियो आओ मिलकर के मेरे प्रभु के गुणों का गायन करें, मेरे गुरुदेव की लीलाओं की चर्चा करें। एक बार श्री गुरु अंगद देव जी अपने गुरु श्री गुरु नानक देव जी के शरीर छोड़ने के पश्चात
उनकी याद में बहुत ही व्याकुल थे और वे सदा श्री गुरु नानक देव जी की याद में खोए रहते और उनकी आंखों से निरंतर प्रेमाश्रु बहते रहते। एक दिन अपने गुरु की याद में खोए खोए उनके मन में ये विचार आया कि मेरे गुरु पूर्ण महापुरुष थे, उनमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं था। उन्होंने लोक कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर शरीर धारण कर जो जो अलौकिक कौतुक किए, वह कितना आनंदमय समय होगा। काश मुझे कोई ऐसा गुरु प्रेमी मिले जो मुझे मेरे गुरु की कथा सुनाए, जो मुझे मेरे गुरु की बातें सुनाए, जो मेरे गुरु की चर्चा कर करके मेरी रूह को गुरु प्रेम से सराबोर कर दे। क्या कोई मुझे ऐसा मिल पाएगा? श्री गुरु अंगद देव जी ने अपने मन की बात बाबा बुढ़ा जी, जो श्री गुरु नानक देव जी के ही शिष्य थे, उनके समक्ष रखी। बाबा बुढ़ा जी ने कहा, महाराज जी, आपकी यह इच्छा भाई बाला जी, जो श्री गुरु नानक देव जी के बचपन के साथी हैं, वो पूर्ण कर सकते हैं। जैसे ही श्री गुरु अंगद देव जी ने भाई बाला जी का नाम सुना तो प्रेम विभोर हो उठे और तुरंत उन्होंने भाई बाला जी को बुला भेजा। भाई बाला जी ने ज्यों ज्यों श्री गुरु नानक देव जी की चर्चा, उनकी लीलाओं की चर्चा, उनकी बातें श्री गुरु अंगद देव जी को सुनाई, त्यों त्यों श्री गुरु अंगद देव जी का मन गुरु प्रेम में इस कदर भावुक हुआ कि उनकी आंखें बरसती रही और बरसती ही रही। और इस प्रकार से, इस गुरु कथा से, इस गुरु चर्चा से सिख इतिहास में एक नए ग्रंथ की रचना हुई जिसे भाई बालाजी की साखी के नाम से जाना जाता है। गुरु प्रेमियों, श्री गुरु अंगद देव जी हालांकि गुरु पदवी पर आसीन थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी रूह को गुरु प्रेम से सराबोर करने के लिए गुरु चर्चा को ही माध्यम बनाया। और आज हमारे प्रभु, हमारे महाराज जी भी तो हमसे बहुत दूर गए हुए हैं। एक अरसा हो गया उनको अपने इस परिवार से दूर गए हुए, एक अरसा हो गया उनका बाहर से दर्शन किए हुए, एक लंबा अंतराल हो गया है उनकी उस जीवन प्रदायनी मुस्कान को देखे जिसको देख करके बंजर हृदयों में भी पुष्प खिल उठते हैं। गुरु भाइयों बहनों, फिर हम क्या करें? आइए अपने गुरु महाराज जी से ही पूछ लेते हैं। एक बार एक गुरु बहन का मार्गदर्शन करते हुए गुरु महाराज जी ने कहा, एक बात याद रखना, तुम जहां भी जाओ सदा मेरी ही चर्चा करनी है, मेरी ही बातें सुनानी है, गुरु महिमा ही सुनानी है। चाहे तुम कहीं भी बैठो, चाहे आपस में बैठो, चाहे संगत में जाओ, सबको उस समय आशुमय बना देना है। उस समय सारा वातावरण आशुमय हो जाना चाहिए, सब आशु 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 हो जाना चाहिए। फिर देखना, वहां जो भी शख्स बैठा होगा, सबके मन सबके हृदय शांत हो जाएंगे। सदा गुरु की ही चर्चा करनी है, सदा गुरु की ही बातें सुनानी है। महाराज जी ने कहा, ऐसा नहीं कि गुरु के बातें, गुरु की चर्चा केवल तुम लोगों तक सीमित रहती है, वो तो पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है, वो तो पूरे वातावरण में प्रसारित होकर के उसको भी शुद्ध कर देती है। और जब गुरु की महिमा, गुरु की बातें हवा में फैलती हैं, जो भी व्यक्ति उस हवा के संपर्क में भी आता है तो उसके हृदय में भी भक्ति भाव जागृत हो जाता है। ये है गुरु चर्चा का, गुरु की बातों का प्रभाव। गुरु महाराज जी ने कहा, जब भगवान श्री कृष्ण और गोपियों में रासलीला हुई, गोपियों के मन में अहम भाव जागृत हो गया कि शायद हम विशेष हैं, इसलिए श्री कृष्ण हमसे रास करने आए हैं। इससे भगवान श्री कृष्ण उनके बीच में से अदृश्य हो गए। जब प्रभु अंतर्धान हुए तो गोपियां विचलित हो गई। हालांकि यह भगवान श्री कृष्ण जी की लीला ही थी, क्योंकि गोपियों के मन में जो थोड़ा अहम भाव रह गया था वो उसको भी समाप्त कर देना चाहते थे। जैसे ही प्रभु अदृश्य हुए तो उनका वो साकार सानिध्य मिलना बंद हो गया जो गोपियों को आनंदित करता था,
जो जीवन का आधार था। तब जानते हैं गोपियों को क्या सूझा। गुरु महाराज जी ने कहा, तब गोपियों को प्रभु की लीलाएं सूझ गई, उनको प्रभु की चर्चा सूझ गई और वो प्रभु की बातें करने लगे, प्रभु की चर्चा करने लगे और उनकी लीलाओं की चर्चा करते करते वो उनका अनुसरण भी करने लगी। कैसे? एक गोपी श्री कृष्ण बन गई, एक गोपी ने माँ यशोदा का रूप बना लिया और वो उनको ओखल से बांधने लगी। इसी प्रकार से एक गोपी कालिया नाग बन गई, एक गोपी श्री कृष्ण बन गई और वह कालिया नाग का मर्दन करने लगी। इस प्रकार श्री कृष्ण की लीलाओं की चर्चा और उनका अनुसरण करते करते वो इतनी तन्मय हो गई, उनकी चर्चा में उनकी बातों में वो इतनी तन्मय हो गई कि उनका अहम भाव श्री कृष्ण में ही विलय हो गया। और उनका अहम भाव समाप्त होते ही गुरु महाराज ने कहा, जहां अहम नहीं होता है वहां प्रभु होते ही हैं। और वो कहीं गए भी नहीं थे, वो तो अहम भाव के कारण से गोपियों को दिखने बंद हुए थे। जैसे ही श्री कृष्ण की चर्चा में गोपियां तन्मय हुई, वो श्याममय हुई, तो प्रभु ने अपने आप को प्रकट कर दिया। जब प्रभु प्रकट हुए तब हुआ था महारास, तब हर गोपी के अपने एक भगवान थे। इसलिए जो गुरु की चर्चा है, जो गुरु की बातें हैं, उनमें बहुत शक्ति होती है, उनमें हमारे अहम भाव को गलाने की, मिटाने की भी शक्ति होती है, क्योंकि वह प्रभु की चर्चा है, वो परम गुरु सत्ता की चर्चा है जो ब्रह्म स्वरूप है। एक बार गुरु महाराज जी ने एक साधक को बताया, जो सदगुरु की बातें होती हैं, जो मेरी चर्चा है ना, वो यूं ही नहीं मिलती सुनने को, यूं ही नहीं कही जाती, वह तो हमारी विशेष कृपा होती है, क्योंकि उसको सुनकर के वैराग्य पैदा होता है। महाराज जी ने कहा, नहीं, वैराग्य नहीं कहते, उसे वैराग्य रस कहते हैं। वो उत्पन्न होता है जो सर्वोत्कृष्ट है। उस वैराग्य रस में हमारे विकार, हमारे विषय वासनाएं सब नीचे हो जाते हैं। इसलिए गुरु की चर्चा में बहुत शक्ति होती है। गुरु की बातें हमारे मन की समस्त मलिनता को धो डालने की शक्ति रखती हैं। वो हमारे अंदर वैराग्य रस उत्पन्न करने का सामर्थ्य रखती हैं। और गुरु महाराज जी ने कहा, जब स्वाध्याय करने से तुम्हारे भीतर अवगुण और तुम्हें अपनी कमजोरियों का भान हो, तो ज्यादा से ज्यादा गुरु चर्चा सुननी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा गुरु चर्चा करनी चाहिए। गुरु चर्चा में तो हमारे पिछले पाप संस्कारों को भी समाप्त करने की शक्ति है। एक बार एक साधक का मन नकारात्मक विचारों से भर उठा। वह इस ज्ञान मार्ग पर चलते चलते उसको घुटन सी महसूस होने लगी। उसके मन में विचार पैदा होने लगे कि क्यों ना मैं इस मार्ग को ही छोड़ दूं। तभी उसे ख्याल आया, क्यों ना मैं अपने मन की अवस्था महाराज जी से शेयर करूं, महाराज जी को बताऊं। उस समय मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, गुरु महाराज जी से बात भी एसटीडी पर जाकर ही करनी होती थी। तो वो भाई, वो साधक बाहर जाकर के उसने महाराज जी को फोन मिलाया और अपने मन की सारी व्यथा बता दी। महाराज जी, मेरा मन बहुत परेशान है, ना यह साधना में लग रहा है, ना यह सेवा में लग रहा है, और मुझे अजीब सी घुटन महसूस हो रही है, और मैं मन की इस अवस्था से लड़ते लड़ते थक गया हूं महाराज जी। और ऐसा कहकर के वो साधक फूट फूट कर रोने लगा। हमारे ममतामयी गुरुदेव का हृदय प्रेम से छलक उठा। महाराज जी ने कहा, घबराओ नहीं, परेशान मत होना, तुम्हारा कोई पूर्व जन्म का बहुत भयंकर संस्कार सामने आ गया है जो तुम्हें भक्ति मार्ग से विचलित कर रहा है। तुम अभी आश्रम वापस जाओ और महाराज जी ने एक साधक का नाम लिया, उसको बोलो, उसको जितनी मेरी बातें याद हैं तुम्हें सुनाए, मेरी चर्चा करे, तुम अभी वापस जाओ। वह साधक जैसे ही आश्रम लौटा और उसने उस दूसरे साधक को गुरु महाराज जी का संदेश सुनाया, तो उस साधक ने गुरु चर्चा शुरू कर दी। एक बार मैं महाराज जी के चरणों में बैठा था तो गुरु महाराज जी ने ये कहा, मैंने ये प्रश्न किया तो गुरु महाराज जी ने ये समझाया, फलां प्रेमी की महाराज जी ने ऐसे रक्षा की, फलां प्रेमी को महाराज जी ने ऐसे भक्ति का दान दिया, और ऐसे गुरु चर्चा आगे बढ़ती गई। जैसे ही वह साधक गुरु चर्चा को सुनता गया, उसके मन की स्थिति बदलनी शुरू हो गई। और उस साधक ने बताया कि शाम ढलते ढलते मेरा मन पूर्णतः स्वस्थ हो चुका था। अब वह साधक गुरु चर्चा के, गुरु की बातों के इस प्रत्यक्ष प्रभाव को अनुभव कर चुका था। उसने मन में विचार किया
कि केवल मात्र महाराज जी की बातें करने से, महाराज जी की चर्चा करने से ना केवल मेरे पूर्व जन्म का संस्कार कट गया बल्कि मेरी आत्मा भी वैराग्य रस में नहा उठी है। तो गुरु के दिव्य प्रेम को पाकर के उसके हृदय के भाव एक हुक बनकर के निकल पड़े। हे गुरुवर शब्दों की राशि को जहाँ में मैंने व्यर्थ लुटाया। हे गुरुवर शब्दों की राशि को जहाँ में मैंने व्यर्थ लुटाया। जो हृदय में तेरी प्यास जगाए कोई ऐसी रचना रचना पाया। तेरी प्रेम वर्षा में भीग मैं जाऊं अब ऐसी बरसात हो। हे आशुतोष परम परमेश्वर अब बस आपकी बात हो। हे आशुतोष परम परमेश्वर अब बस आपकी बात हो। तेरे अफसानों की लौ से रोशन मेरी हर प्रभात हो। हे आशुतोष परम परमेश्वर अब बस आपकी बात हो। गुरु महाराज जी, आज तक संसार की चर्चा कर करके हमने ना जाने कितने शब्दों को निरर्थक किया है, लेकिन कोई ऐसी बात करने का प्रयास नहीं किया जिससे आपकी प्यास हमारे हृदय में जागे। हे प्रभु, मुझ दीन पर कृपा करें, अब मैं आपकी चर्चा में मगन रह करके ही आपके प्रेम में भीगता रहूं। अब मेरी जीवा पर केवल आपकी बात हो, आपकी लीलाओं की चर्चा से ही मेरे प्रत्येक दिन की शुरुआत हो। एक बार एक साधक को गुरु महाराज जी ने कहा, अब एक ऐसा अभियान चलाओ जो जहां खड़ा हो चाहे बैठा हो इधर उधर की बातें ना करके मेरी ही चर्चा करे, गुरु के गुणों का ही गायन करे, गुरु महिमा की बात ही करे। इससे क्या होगा, जिन साधकों के मन में नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, या फिर कोई अपने घर की परेशानी से परेशान है, किसी के घर में परेशानी है वो उस बात से परेशान है, या फिर कोई इस महान भक्ति मार्ग से ही विचलित हो रहा है, या फिर कोई इस दिव्य मिशन से ही दूर होने की बात सोच रहा है, मेरी बातें करने से, मेरी चर्चा करने से उनके मनों में सकारात्मक ऊर्जा भर जाएगी और सबके मन पूर्णता बदल जाएंगे। अब यहां पर हमारे मन में एक तर्क आ सकता है कि जब सारे कार्य महाराज जी की चर्चा करने से, महाराज जी की बातें करने से हो रहे हैं तो फिर सुमन साधना करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन गुरु प्रेमियों, जो सुमरण साधना करेगा उसी को तो गुरु चर्चा अच्छी लगेगी, वही तो गुरु महिमा को सुनेगा गाएगा, और जिसको गुरु महिमा में रस मिलेगा जब ऐसा साधक ध्यान में बैठेगा तो वो ध्यान की गहराइयों में उतरता चला जाएगा। इसलिए गुरु प्रेमियों, वर्तमान परिस्थितियों की ये दृढ़ मांग है कि हम
साधना सुमरण के साथ अपने महाराज जी की बातें भी करें, अपने महाराज जी की चर्चा भी करें, ताकि जो हमारे भीतर संसार भरा हुआ है उसकी जगह हमारे गुरु महाराज जी हमारे मन में बस जाएं, हमारे दिल में बस जाएं। गुरु महाराज जी हमसे गुरु चिंतन का तप चाहते हैं, गुरु महाराज जी हमसे पुरुषार्थ का आधार चाहते हैं, क्योंकि यह इस संसार का नियम है, जो जितना मूल्यवान है वो उतनी ही कीमत अदा करने से मिलता है। एक बार गुरु महाराज जी अपने साधकों की सभा में विराजमान थे और अपना दिव्य प्रेम लुटा रहे थे। एक साधक ने गुरु महाराज जी को प्रसन्न जान प्रश्न किया, महाराज जी हम कई बार छोटी सी बात सोचते हैं वह तुरंत पूरी हो जाती है, या कोई छोटी सी प्रार्थना करते हैं वह भी पूर्ण हो जाती है, लेकिन महाराज जी जो विचार जो इच्छा आपसे संबंधित है वह आसानी से पूर्ण नहीं होती। कई बार तो हम आपके दर्शन के लिए ही प्रार्थना कर रहे होते हैं और कई बार आपकी छवि को मन में बसाने का प्रयास कर रहे होते हैं, और तो और महाराज जी आपकी दिव्य मूर्ति को अपने मन में बसाने के लिए हम मन की पूरी शक्ति लगा करके भी सफल नहीं हो पाते हैं, ऐसा क्यों महाराज श्री? तो गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, हम यूं ही नहीं किसी के हृदय में बस जाते, हमें प्राप्त करने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है ना। गुरु महाराज जी चाहते हैं हम उनकी चर्चा करके, हम उनकी बातों में मगन रह करके उनको पुरुषार्थ का आधार दें और वो हम पर कृपा करके हमारे हृदय सिंहासन पर आरूढ़ हो पाएं। गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में भक्त हनुमान जी की महिमा गाते हुए कहते हैं, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। भक्त हनुमान श्री राम के चरित्र सुनने में आनंद रस लेते हैं, इसलिए उनके हृदय में श्री राम लक्ष्मण और माँ जानकी का सदा निवास रहता है। श्री हनुमान जी का श्री राम कथा अनुराग पराकाष्ठा को प्राप्त है, क्योंकि वो प्रभु के अनन्य प्रेमी हैं और उन्होंने तो श्री राम कथा को अपना जीवन आधार ही बना लिया है, श्री वाल्मीकि रामायण से विदित होता है। भक्त हनुमान ने प्रभु श्री राम से यही वरदान मांगा था कि जब तक मंगलमय प्रभु की कथा इस संसार में प्रचलित हो तब तक उनके शरीर में प्राण रहे, क्योंकि जो व्यक्ति जिस विषय में स्वाभाविक अनुराग रखता है वह उसके बिना रह नहीं सकता, वह उसको प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है, वह उसके रस का रसिक होता है, इसलिए वो रसिया थे। और गुरु प्रेमियों आज हमें भी अपने महाराज जी की लीलाओं के रसिया बनना पड़ेगा। एक बार एक साधु बहन जी की कथा करने की सेवा लगी, कथा समाप्ति के उपरांत प्रतिदिन वो अन्य बहनों को संग ले गुरु महाराज जी की बातें करने लगते। ज्यों ज्यों गुरु चर्चा आगे बढ़ती त्यों त्यों सभी का हृदय वैराग्य रस से भर जाता, इस प्रकार पूरी रात ही व्यतीत हो जाती। बस फिर क्या था, प्रतिदिन गुरु महाराज जी की महिमा होने लगी, गुरु महाराज जी की चर्चा होने लगी और सबके हृदय गुरु प्रेम से लबालब हो गए। लेकिन जैसे ही कथा समाप्ति का समय आया तो सब सोचने लगे, अब हम प्रभु की कथा प्रभु की महिमा कैसे श्रवण करेंगे, क्योंकि सबके हृदय गुरु प्रेम से भरे हुए थे, इसलिए उस प्रेममय हृदय से सब साधक गुरु महाराज जी के श्री चरणों में यही पुकार कर उठे। तेरे प्रेमी जनों का संग हो नित, रह रह कर तुझको याद करूं। तेरे प्रेमी जनों का संग हो नित, रह रह कर तुझको याद करूं। तेरी शिक्षाओं के पुष्पों से जीवन बगिया आबाद करूं। तेरी प्रतीक्षा में संवरूं नित, बस तुझसे बंधे जज्बात हूं। हे आशुतोष परम परमेश्वर, अब बस आपकी बात हो। हे आशुतोष
परम परमेश्वर अब बस आपकी बात हो, तेरे अफसानों की लौ से रोशन मेरी हर प्रभात हो। हे आशुतोष परम परमेश्वर अब बस आपकी बात हो। सभी ने महाराज जी के श्री चरणों में प्रार्थना की कि महाराज जी हमें हर क्षण आपकी चर्चा आपकी महिमा सुनने को मिलती रहे। और जब कथा समाप्ति के उपरांत बहनें गुरु महाराज जी को मिलने गई तो उन्होंने बताया कि महाराज जी किस प्रकार इस बार कथा के अलावा हमने आपकी बहुत सारी बातें की और आपकी चर्चा करते हुए पूरी रात्रि व्यतीत हो जाती थी महाराज श्री। तो गुरु महाराज जी अत्यंत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देते हुए बोले, तब तो तुम्हें बहुत सारी दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हो गई होंगी ना, क्योंकि जब निरंतर गुरु चर्चा करते हैं गुरु की बातें करते हैं तो हमारे भीतर जो संसारिकता भरी है वो गुरु की बातों से रिप्लेस हो जाती है। भक्त नामदेव जी के एक शिष्य हुए हैं चोखा मेला। तन हमेशा आजीविका कमाने में व्यस्त रहता लेकिन मन गुरु महिमा गाने में, जीवा गुरु के गुणों का गायन करने में मस्त रहती व्यस्त रहती। एक बार वो अपने साथी मजदूरों के संग एक विशाल दीवार का निर्माण कर रहे थे और साथ ही साथ गुरु महिमा के अभंग रच रहे थे। धन्य धन्य नाम देवा केला उपकार जीवा, धन्य धन्य हो मेरे गुरुदेव नामदेव, आपके अनंत उपकार हैं मुझ पर। इस प्रकार से अभंग रचते हुए वह अपने कार्य को कर रहे थे। कई बार हम में से कुछ साधक यह तर्क करते हैं कि हम गुरु महाराज जी को याद करें या सेवा करें, याद करें या गृह कार्यों को निपटाएं। अगर गुरु महाराज जी की याद में गुरु की याद में रोते धोते ही रहेंगे तो फिर आश्रम की सेवा कैसे करेंगे, हमें अपने गृह कार्यों को निपटाएंगे कैसे। गुरु प्रेमियों, गुरु की याद, गुरु का प्रेम, उनकी चर्चा, उनकी बातें कभी भी सेवा या गृह कार्यों में रुकावट पैदा नहीं करती हैं। हमारे महापुरुष तो यहां तक कहते हैं, धिक्कार है ऐसे कार्य को जो हमें हमारे गुरु की याद ही भुला दे। गुरु का प्रेमी तो दुगना चौगुना काम करता है क्योंकि उसके अंदर निराशा पैदा ही नहीं होती, वो हमेशा वो सदैव भीतर से खिला रहता है। और हम सब साधकों का ये निजी अनुभव है कि जब हम सेवा कार्य को गुरु महाराज जी को याद करते हुए करते हैं तो थकान हमारे कदमों से कोसों दूर रहती है। ये हम सभी का अनुभव है। और क्या ऐसी सेवा, ऐसा कार्य जिसमें गुरु का चिंतन नहीं, गुरु की याद नहीं, गुरु को स्वीकार है। एक बार एक दिव्य अनुभूति में एक गुरु बहन जी को दर्शन देते हुए महाराज जी ने बड़े ही मायूस स्वर में कहा, तुम सब लोग सेवा तो कर रहे हो ना। बहन जी ने कहा, जी महाराज जी। महाराज जी ने कहा, हाँ सेवा कर रहे हो, कोई स्वच्छता की सेवा कर रहा है, कोई पंडाल की सेवा कर रहा है, कोई सुरक्षा की सेवा में डटा हुआ है। तो वह बहन जी गुरु महाराज जी की बातों को सुनकर हाँ में हाँ मिलाते हुए कह रही थी, जी महाराज जी सब ऐसे ही होता है। तो गुरु महाराज जी ने कहा, तुम जब सेवा करते हो तो तुम सबका ध्यान तो इधर उधर की वस्तुएं, स्थान या व्यक्ति विशेष पर ही लगा रहता है, उस सेवा में मैं तो कहीं नहीं होता ना, ना मेरा चिंतन ना मेरा ध्यान। याद रहे, जिस सेवा में गुरु की याद नहीं वह सेवा भी सार्थक नहीं होती है। तुम्हारी हर सेवा सार्थक हो इसलिए गुरु से जुड़ करके सेवा किया करो, गुरु चिंतन करते हुए सेवा किया करो, मेरी बातें मेरी चर्चा करते हुए सेवा किया करो। और गुरु प्रेमी रही बात समय निकालने की, तो जो गुरु का प्रेमी है वो गुरु की बातों के लिए गुरु की चर्चा करने के लिए कोई ना कोई युक्ति खोज ही लेता है। इसलिए चोखा मेला ने भी ऐसी बहुत सारी युक्तियों को खोज लिया था अपने गुरु नामदेव की चर्चा करने के लिए। और गुरु महिमा के अभंग गाते हुए वह उस विशाल दीवार का निर्माण कर रहे थे कि अचानक से एक तूफान आया, वो दीवार ढह गई
और अन्य साथी मजदूरों के संग चोखा मेला भी मलबे में समा गए। चोखा मेला के लिए तो यह सारे ही संसारिक बंधनों से मुक्ति थी। उसकी आत्मा तो पहले से ही गुरु में थी, इसलिए गुरु ने भी उसकी आत्मा को परम धाम की ओर अग्रसर कर दिया। लेकिन अभी शिष्य के तन को, उसकी देह को समेटना शेष था, इसलिए गुरु नामदेव घटना स्थल की ओर चोखोबा चोखोबा पुकार कर दौड़ उठे। लेकिन यह क्या, वहां तो मलबे के साथ साथ अस्थियों का भी पहाड़ है। लेकिन जिस गुरु ने इस विशाल ब्रह्मांड में से अपनी आत्मा को बार बार खोजा है, उसके लिए पहाड़ क्या चीज है। गुरु नामदेव एक एक अस्थि को उठाते, अपने कान के नजदीक लाते, हल्का सा हिलाते, अगर वो मूक निकलती फेंक देते। दूसरी अस्थि उठाते हिलाते, अगर धुन निकलती मेरे विट्ठल मेरे नाम्या मेरे गुरुवर, तो उसे दामन में समेट लेते। गुरु प्रेमियों सोचो, सोचो जरा, सोच कर ही तन मन में सिरहन सी पैदा होती है। जरा सोचो, जीते जी कितना 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 याद किया होगा उसने अपने गुरुवर को, कि वही याद एक अमर तरंग बनके उसके पोर पोर में समा गई। इस कदर कि आज गुरु नामदेव स्वयं मलबे में घुस करके अपने शिष्य की अस्थियां चुक रहे हैं। गुरु प्रेमियों, गुरु महिमा, गुरु चर्चा की तो बात ही क्या। अगर हम प्रेमवश होकर, प्रेम मगन होकर छोटी सी कल्पना भी गुरु के साथ कर लेना, तो गुरु उसे भी तुरंत पूरी करने के लिए तत्पर रहते हैं। गुरु महाराज जी ने एक साधक को कहा, गुरु के साथ अच्छी अच्छी शुभ कल्पनाएं किया करो, ना जाने गुरु कब प्रसन्न होकर उन भावों को पूरा कर दे। एक बार ऐसे ही एक गुरु बहन इंस्ट्रूमेंट बजाते बजाते उसके मन के तार गुरु चरणों से जा जुड़े और उसके मन में एक कल्पना प्रारंभ हो गई, काश मैं अपना इंस्ट्रूमेंट बजा रही हूं और गुरु महाराज जी नाश्ता करते करते मग्न हो मेरे संगीत को सुन रहे हों। यह विचार उस बहन के जहन में आया और चला गया, इसके उपरांत वो भूल गए। समय गुजरता गया और अंततः गुरु महाराज जी की आज्ञा से वो बहन मिशन में सेवा के लिए समर्पित हो गई। लगभग 6 वर्षों के बाद एक प्रातः गुरु महाराज जी ने उसे फोन किया और कहा, जो राग मैंने कल तुम्हें बताया था, अपना इंस्ट्रूमेंट ले आओ और मुझे अभी सुनाओ। जब वो बहन गुरु महाराज जी के कक्ष में पहुंची तो उस समय गुरु महाराज जी नाश्ता कर रहे थे। गुरु बहन ने कहा, महाराज जी आप नाश्ता कर लीजिए, मैं बाद में आ जाती हूँ। गुरु महाराज जी ने कहा, नहीं, आज हम नाश्ता करते करते ही संगीत सुनेंगे। और चूंकि एक दिन पहले वो राग गुरु महाराज जी ने ही बतलाया था, इसलिए उस बहन ने पूर्ण तल्लीनता के साथ राग को गाया, कहीं गलती ना हो जाए। और गुरु महाराज जी प्रेम मगन हो नाश्ता करते करते संगीत सुनते रहे और उसके बाद उस बहन को जाने के लिए कह दिया। जैसे ही वो बहन अपने कमरे में पहुंची, इंस्ट्रूमेंट रखा, यह क्या, अचानक से उसे 6 वर्ष पुरानी अपनी वो कल्पना स्मरण हो आई। वो अंतर्यामी गुरु के दिव्य प्रेम को पा करके भावुक हो रोने लगी। इसलिए प्रेम से गुरु के संग की हुई छोटी सी कल्पना भी हमारी भक्ति में वृद्धि कर देती है। एक बार एक साधक को गुरु महाराज जी ने सत्संग की सेवा करने के लिए कहा। उस साधक ने कहा, महाराज जी मेरे लिए तो संभव नहीं, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं। महाराज जी ने कहा, क्या तुम्हें मेरी बातें याद रहती हैं। उस साधक ने कहा, महाराज जी आपकी बातें क्या, कैसे, मैं समझा नहीं। महाराज जी ने कहा, जो मैं तुम लोगों को समझाता हूँ, संगत के प्रश्नों का समाधान देता हूँ, वो सब। उसने कहा, जी महाराज जी वो तो आपकी कृपा से याद रहता है। तो महाराज जी ने कहा, क्या तुम वो सुना सकते हो दूसरों को। महाराज जी आपकी कृपा से मैं प्रयास करके देखूंगा। महाराज जी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, तुम मुझे कोई बात सुनाओ। तो उसने, उस साधक ने एक बात गुरु महाराज जी को सुना दी। महाराज जी इतने प्रसन्न हुए, महाराज जी ने कहा, बस यही तो करना है, मंच पर बैठो और मेरी बातें करो, जाओ प्रचार की सेवा करो। और वह प्रचार की सेवा करने लगे। वह गुरु भाई जहां भी जाते, मंच पर बैठते ही गुरु महाराज जी की बातें करने लगते, चाहे मंच संचालन की सेवा लगी हो या सत्संग करने की सेवा लगी हो। उस गुरु चर्चा का यह प्रभाव हुआ कि जिस भी सत्संग में गुरु भाई जाते, वहां बहुत लोग ज्ञान लेने लगे।
गुरु महाराज जी के श्री चरणों से संगत जुड़ने लगी। पहले तो किसी ने इस बात को नोटिस नहीं किया, लेकिन जब नोटिस हुआ, एक साधक ने यह बात गुरु महाराज जी के श्री चरणों में रखी कि महाराज जी, हम तो अपने उदाहरण दे दे करके लोगों को ज्ञान समझाने का प्रयास करते हैं, फिर भी किसी को ज्ञान समझ नहीं आता और ना ही वो उनके अंदर ज्ञान लेने की इच्छा जागृत होती है। लेकिन महाराज जी, वो गुरु भाई जहां भी जाते हैं, जिस भी सत्संग में जाते हैं, वहां अनेकों लोग आपके श्री चरणों से जुड़ते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। महाराज जी ने कहा, अच्छा तुम उसी से पूछो वो क्या सुनाता है। वो साधक उस गुरु भाई के पास पहुंचा, जिसका हृदय पहले ही गुरु चर्चा से हुई कृपा को प्राप्त करके गुरु प्रेम से लबालब हो चुका था। उस साधक ने उस गुरु भाई को कहा, महाराज जी ने कहा है कि उससे जाकर पूछो वो सत्संग में क्या सुनाता है। जब उस साधक ने सुना महाराज जी ने कहा मुझसे पूछने के लिए, तो उसकी आत्मा करुणामय गुरुदेव के श्री चरणों में यही प्रार्थना करने लगी। तेरे दुलार की आस में हूं, तेरा बनने के प्रयास में हूँ, तेरे दुलार की आस में हूँ, तेरा बनने के प्रयास में हूँ, तेरी चाह में हृदय दीपक सा जले, तेरी यादों के मधुमास में हूँ, तेरे काबिल बन जाऊं मैं इससे पहले, जीवन की रात हो। हे आशुतोष परम परमेश्वर, अब बस आपकी बात हो। हे आशुतोष परम परमेश्वर, अब बस आपकी बात हो। तेरे अफसानों की लौ से रोशन मेरी हर प्रभात हो। हे आशुतोष परम परमेश्वर, अब बस आपके बात हो। उस गुरु भाई ने साधु को कहा, मुझे तो महाराज जी ने केवल अपनी बातें सुनाने के लिए कहा है, मुझे तो कुछ और आता नहीं, ना ही मुझे कुछ और समझ आता है, मैं तो मंच पर यही सुनाता हूँ, मेरे गुरु ने, मेरे महाराज ये करते हैं, मेरे महाराज ये कहते हैं। जब उस साधक ने लौट करके यह बात गुरु महाराज जी को बतलाई, तो महाराज जी प्रसन्न होकर के बोले, जहाँ भी मेरी चर्चा होगी, जहाँ भी गुरु महिमा सुनाई जाएगी, वहाँ ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि जहाँ गुरु की बातें होती हैं, जहाँ गुरु चर्चा होती है, वहाँ दिव्य शक्तियाँ आशीर्वाद देने के लिए जो आती हैं। एक साधक को कुछ दिन पूर्व गुरु महाराज जी ने कहा, मेरी स्मृतियों को बार बार याद किया करो, मेरी स्मृतियों में ही खोए रहा करो, जिससे गुरु क्षण भर के लिए भी तुम्हारे हृदय से विस्मृत ना हो। फिर देखना तुम्हारे महाराज जी तुम्हारे हृदय में कैसे बसने लगते हैं, फिर तुम्हें समय और स्थान की दूरी का भी भान नहीं होगा, क्योंकि जैसे जल बिच कुमुद बसे, चंदा बसे आगास, जो जाके हृदय बसे सोई ताके पास। जैसे जल में कुमुद बसता है, कमल बसता है, और चंद्रमा दूर आकाश में रहता है, इतनी दूरी होने पर भी दोनों का प्रेम बना रहता है। कैसे? चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है वह जल में कमल के पास पड़ता है, इसलिए उसको ये दूरी प्रतीत नहीं होती, उनका प्रेम बना रहता है। जो जाके हृदय बसे, महाराज जी ने कहा, जो जिसके हृदय में बसता है वो उसी के पास है। गुरु महाराज जी हमारे हृदय में बस करके अपने प्रत्येक शिष्य को एक ऐसा आईना बना देना चाहते हैं,
जिसमें से संसार उनका दर्शन कर सके। गुरु महाराज जी अपने प्रत्येक साधक को एक ऐसा यंत्र बना देना चाहते हैं जिसमें से हर पल हर हाल में गुरु का ही सुर निकले। गुरु प्रेमियों, इसलिए श्वास श्वास सुमरण और साधना के साथ साथ अपनी आत्मा को, अपने मन को, अपने संपूर्ण अस्तित्व को गुरु में बनाने की एकमात्र यही प्रक्रिया है, यही वह प्रोसेस है जिससे ना केवल हमारी आत्मा, ना केवल हमारा मन, अपितु हमारा पोर पोर, हमारा रोम रोम आशु में बन सकता है, गुरु में बन सकता है। और अंत में आइए गुरु महाराज जी के श्री चरणों में हम सब भाई बहन मिलकर की यही प्रार्थना करें। आशु नाम की चादर तन पे अंतिम वस्त्र हमारा हो, अंतिम सफर पे जब हम निकलें ओम श्री आशु तोषाय नमः का नारा हो, अंतिम सफर पे जब हम निकलें ओम श्री आशु तोषाय नमः का नारा हो, ओम श्री आशु तोषाय नमः का नारा हो। बोली आशुतोष भगवान की, श्री सद्गुरु देव महाराज जी की, सच्चे दरबार की।